नमस्कार। जय माता की, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि, जय नांगे बाबा जी। कैसे हो आप सभी? मैं श्रवण राजपूत, माँ दुर्गा रेकी एंड लामा फेरा हीलिंग सेंटर चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो पितृदोष या कालसर्प योग के बारे में है। देखिए, पितृदोष हमारे पास लोग हीलिंग के लिए आते हैं, कई बार जैसे फोटो चेक करवाते हैं या फोटो भेजते हैं, डायरेक्ट चेक करवाने के लिए आते हैं, तो उसमें फाइंड आउट होता है पितृदोष, कालसर्प भी हो सकता है। तो पितृदोष अगर हो, खासकर पितृदोष हो, तो आप रेकी हीलिंग करवाइए विदाउट पितृदोष रिमूव करने के, बिना हीलिंग का कोई भी काम सक्सेस नहीं होगा। पितर, कईयों को पितरों को नहीं पता, जो पूछते हैं पितर दोष क्या होता है जी। पितर दोष क्या होता है? एक तो होता है पास्ट लाइफ इश्यू, पुराने जन्म से आपकी कुंडली के अनुसार पितर दोष बना हुआ। जैसे नाइन्थ हाउस में आपके सन मून राहु, फोर्थ में केतु बैठ जाता है, और भी कई है कुंडली के हिसाब से, शनिदेव राहु केतु शनि जिसकी कुंडली में उसमें भी आ जाता है, वो बचपन से ही होता है। पुराने जन्म से आपके कुछ पुराने कर्मा है, उसके इश्यू की वजह से पितृदोष। पितर क्या होते हैं? जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके परिवार से दुनिया छोड़ के गए हैं, उनको हम पितर बोलते हैं। जब तक उनकी शुद्धि नहीं होती तब तक वो पितर योनि में नहीं आते। जब वो शुद्ध हो जाते हैं तो पितर बन जाते हैं। एक होता है ओरा में, जो कुंडली में नहीं होता, जब स्कैन करते हो आप, स्कैनर से स्कैन करवाते हो, हाथ से स्कैन करवाते हो, किसी रेकी मास्टर से स्कैन करवाते हो जिसको स्कैन करना आता है, तो उसमें पितृ दोष निकलता है। कुंडली में नहीं होगा लेकिन वहां निकलेगा। तो पितृ दोष जब निकलता है, सीधी सी बात है, सबसे पहले पितृ दोष होगा तो आपके परिवार पे इफेक्ट क्या होगा? खुशियां नाम मात्र की रहेंगी, मनमुटाव चलता रहेगा, बीमारियां चलती रहेगी, डिप्रेशन एंजाइटी चलती रहेगी। सभी को अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम होती है परिवार के सदस्यों को, ये नहीं कि एक चार भाई एक को फाइनेंशियल लॉस है, दूसरे को फाइनेंशियल लॉस ही होगा, उसको कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं कि जी मैं तो बिल्कुल डाउन हूँ और मेरा भाई बहुत ऊंचा है, पैसे कमा रहा है, तो उसको ही प्रॉब्लम होगी, किसी और टाइप की प्रॉब्लम होगी। उसके बाद मैरिज पे इफेक्ट पड़ता है, कईयों की मैरिज नहीं होती परिवार में, लड़का हो या लड़की हो। थर्ड, बेबी होने में प्रॉब्लम आती है, ओ पितृदोष है। कर्जा चढ़ जाता है, ओ पितृदोष है। नेगेटिविटी होती है, ओ भी पितृदोष है। घर में झगड़े चलते रहते हो, भी पितृदोष है। आप क्लियर कर जाओगे एग्जाम, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ऐसे ही आप सब कुछ बीमारियों की दवाइयाँ खाओगे, सब कुछ करोगे, लेकिन असर कुछ नहीं होगा, वो पितृदोष की वजह से होता है। नेगेटिविटी भी आ जाती है, फिर जिसमें पितृदोष होता है उसमें ब्लैक मैजिक आराम से कोई भी कर सकते हैं। ये तलाक के केस, घर में झगड़े, विवाह ना होना, ये सब पितृदोष में ही आता है। तो ये जो पितृदोष है, जो पूर्वजों का जो एक दोष होता है, वो आपके अपने हैं, अपने परिवार के सदस्य हैं, तो उनको शांत करना, उनको शुद्ध करना जरूरी है। अगर आपको मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन सही तरीके से काम करे, आपका काम नौकरी सही तरीके से चले, आपकी शादी और परिवार सही तरीके से चले, बिजनेस सही तरीके से चले, शादीशुदा जिंदगी सही तरीके से चले, तो चीज़ें करवानी जरूरी होती हैं। सेकेंडली क्या होता है कि अब होते हीलिंग से कैसे होता है? कई कहते हैं हीलिंग से हम तो चुटकी मार कर देते, बिल्कुल नहीं होता चुटकी मार के। हीलिंग में प्रॉपर जाया जाता है, प्रॉपर मेडिटेशन में बैठा जाता है, मेडिटेशन में बैठ के मंत्रा होते हैं, मंत्रा चैंट किए जाते हैं, फिर उनको कॉल की जाती है, जो सोल्स गई हुई है सोल से अटैच हुआ जाता है, उसके बाद उनसे उनकी जो लास्ट विश है, जो कभी उनके दिमाग में पेंडिंग रह गई थी, वो पूछी जाती है, वो इंडिकेशन देते हैं, वो लिखते हैं, फिर आगे बताते हैं। प्रॉपर तरीके से उनसे कनेक्ट होके उनकी हीलिंग की जाती है। वो इतना हैवी हीलिंग होती है कि जो जैसे हमारे में उषा करती है सेंटर में, तो
भार हो जाता है, शरीर पे भार हो जाता है, इतनी भारी हीलिंग होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वे जब तक शुद्ध नहीं है जब तक वो भूत प्रेत ही हैं। जब वो शुद्ध हो जाएंगे तो पितर योनि में आ जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी में आ जाएंगे। तो जब वो सारी हीलिंग 11 दिन की हो जाती है तो आप जो सामान वो मांगते, खाने पीने कपड़े वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ ज़्यादा बड़ी डोनेशन वो नहीं मांगते, उसको आप डोनेट कर दीजिए। उसके बाद खाली महीने में एक अमावस्या आती है, प्रत्येक अमावस्या खाना बनाइए और निकालिए, गौशाला में दीजिए, मंदिर गुरुद्वारे में दीजिए, जहाँ भी आप दे सकते हो। तो आपको दोबारा से कभी भी लाइफ में दोबारा पितरों की पूजा, पितरों की हीलिंग करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, अगर किसी की चक्र आए साल हमें एनर्जी बढ़ानी है, पितरों की स्पिरिचुअल करने है, और वो करवाते रहो, उसकी मर्जी है। ऐसे काल सर्प योग, काल सर्प योग जिस पे होता है उसके भी काम सारे रुक जाते हैं, बीमारियां भी आती हैं, काम बनते बनते बिगड़ेंगे, सारा कुछ होगा, उल्टा पुल्टा होगा। काल सर्प में भी मेडिसिन खाओगे लगेगी नहीं, लेकिन आप टेस्ट करवाओगे उसमें कुछ नहीं आएगा। ये मिलते जुलते सिम्टम होते काल सर्प योग पितरों के, और साथ में नेगेटिविटी के भी। तो काल सर्प योग की भी हीलिंग से ठीक हो सकता है, जरूरी नहीं उसकी पूजा करवाई जाए, वो हीलिंग से ठीक हो जाता है, करते हैं हम लोग। और जिसको अपने घर का वास्तु करवाना है, बनाने से पहले करवाना है, बना हुआ है उसका वास्तु करवाना है, वो वास्तु दोष भी हम कंप्लीटली करते हैं, रेमेडी बताते हैं चेक करके, घर के घर जाके उसको चेक करके रेमेडी बताते हैं, या दूर वाले तो आप ऑनलाइन चेक करा सकते हैं। तो कोई भी तरीके से पितरों का करवाइए, काल सर्प योग की हीलिंग करवाइए, वास्तु दोष निवारण करवाइए, और भी बहुत चीजें हैं जो हम करते हैं, ग्रह की हीलिंग भी होती है। तो आप किसी प्रकार की हीलिंग यहाँ करवा सकते हैं। मैंने वीडियो पितरों की पहले ही बनाई है, लेकिन मैं दोबारा इसलिए बना रहा हूँ कि लोग कई बार पूछते पितर होते क्या है, क्या जरूरी है। देखिए, दो किसी की हीलिंग करने के लिए हम चेक करते हैं, उसमें ब्लैक मैजिक भी निकलता है, नेगेटिविटी या सोलर टेस्ट निकलती है, और पितर दोष भी निकलता है। लोग एक चीज बोलते हैं जी, ये जो नेगेटिविटी है ब्लैक मैजिक ये उड़ा दो, बाकी रहने दो, उसका कोई बेनिफिट नहीं होना है जब तक आप पितर दोष रिमूव नहीं करवाओगे, और दोबारा से फिर वैसे वैसे हो जाएगा। उसे हीलिंग जो गई है तो लोग सोचेंगे हीलिंग करने का कोई फायदा नहीं है। अरे कर्मा होते, कर्मा भी जुड़े होते हैं। कई बार पितरों के हीलिंग के बाद और हीलिंग के बाद सवा महीना मैक्सिमम मिनिमम सवा महीना तो लगता है पितरों को बिल्कुल अपनी ऊर्जा ग्रहण करने में। तो ये चीज जरूरी है, जो चीज जरूरी है करवानी वो करवानी चाहिए, उसके बाद ही आप आगे हीलिंग प्रोसेस और चीजें करवाइए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। खुद भी पॉजिटिव रहिए, साथ में अपने आप को भी पॉजिटिव रखिए। जितने अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, जितने अपने आप को खुश रखने की कोशिश करोगे, भगवान को मानोगे, आप जिसको भी मानते हो, भगवान को जिस भी रूप में आप मानते हो उस रूप में आप उनको मानो और उनसे रिक्वेस्ट भी करो, तो सब कुछ शांत रहेगा उसके बाद। और पितर जो बनाए, पितृ योनि जो बनाई वो भगवान की बनाई हुई है, प्रेत योनि पितृ योनि सारा कुछ उन्हीं का है बनाया हुआ, तो ये चीज़ करवानी जरूरी है। आज की वीडियो में इतने, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता की, जय मा दुर्गा, जय मा काली, ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि, जय नागा बाबा जी। अपना ख्याल रखिए और माँ दुर्गा आप सभी को सुख समृद्धि सक्सेस हैप्पीनेस प्रदान करें। जय माता दी।